ताई जी मुझे पानी चाहिए। क्या हुआ बेटा? बड़े भैया ने खेलते खेलते मेरी चिड़िया को चोट पहुंचाई है, वो तो कह रहे हैं मर गई। अरे कुछ नहीं होगा उसे। ये लो। पर कोई बात नहीं, मैंने यीशु भैया को बता दिया है, यीशु भैया मेरी चिड़िया को ठीक कर देंगे, वो चिड़ू को कुछ नहीं होने देंगे। आभास हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी शक्ति कुछ अनदेखा करने वाली है। अब वो समय आ गया है जब मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। अगर इसके जरिए ईश्वर का चमत्कार हुआ तो इसके असाधारण होने की बात फैलकर इसके दुश्मनों तक पहुंच जाएगी। उसकी ऊर्जा का आभास हो रहा है मुझे। ऊर्जा जहां से भी आ रही है मुझे वहां ले चलो, और जब ये आंखें खुले तो ईश्वर का बेटा मेरे सामने हो। ये ऊर्जा जहां से भी आ रही है मुझे वहां ले चलो, और जब ये आंखें खुले तो ईश्वर का बेटा मेरे सामने हो। चलो उठो। ये तुम क्या कर रहे हो? माँ मैं आशा की चिड़िया को। बस कुछ नहीं सुनना मुझे, चलो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तुम ठीक हो जाओ चिरू।
मैंने पहले ही कहा था, यीशु कुछ नहीं कर सकता, ये मर चुकी है, इसका कुछ नहीं होगा। बड़े भैया सही कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा इसका। बड़े भैया सही नहीं है, देखो चीरू हिलने लगी। यीशु भैया, यीशु, यीशु भैया चीरू ठीक हो गई। हो गया बड़े भैया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तू यहाँ से दौड़ना और यीशु यहाँ से। दौड़ते हुए यीशु का पैर यहाँ पड़ना चाहिए, तभी तो वो गिरेगा, समझ गए ना? जी जी बड़े भैया, लेकिन हम ये ठीक तो कर रहे हैं ना? अगर इस गड्ढे में यीशु नहीं गिरा ना, तो मैं तुझे इस गड्ढे में डाल दूंगा। फिर अंदर से मुझे बताना कि मैंने ठीक किया या नहीं। हाँ बड़े भैया, अब सही कह रहे हैं। अब जा बुला सबको। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा। आज खेल खेल में यीशु को ऐसा खेल दिखाऊंगा कि उसे बड़े और छोटे का फर्क अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सबको हराने में लगे रहते हैं, फिर आज पीछे क्यों भाग रहे हैं? नहीं गिरा ना, तो मैं तुझे इस गड्ढे में डाल दूंगा। ओह, मेरा पैर!
कैसे भी करके यशु भैया को इस गड्ढे में गिराना होगा, नहीं तो बड़े भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे।